रेवाड़ी स्वास्थ्य विभाग व जिला पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब जिला उपायुक्त के दिशा निर्देश पर उन्होंने संयुक्त कार्रवाई करते हुए औद्योगिक कस्बा बावल से लिंग जांच करवाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को जांच मशीन और कार सहित गिरफ्तार कर लिया। यह लोग चलती कार में ही लिंग जांच का कुकृत्य किया करते थे और सभी गाजियाबाद के रहने वाले हैं। जांच अधिकारी ने बताया कि जिला उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को गाजियाबाद के कुछ लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए थे जो कि लिंग जांच का जिले में काम कर रहे थे। इस पर कार्रवाई करते हुए फर्जी ग्राहक बनाकर उक्त टीम को धारूहेड़ा बुलाया गया और फिर 1 लाख रुपए के लालच में यह सभी आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इनसे पुलिस ने लिंग जांच करवाने वाली पोर्टेबल मशीन व वहां कार भी बरामद कर ली है जिसमें वह जांच किया करते थे। इनके पास से 36,000 रुपये मिले हैं। मुख्य आरोपी बिचौलिए के माध्यम से इस कुकृत्य को अंजाम देता था। बहरहाल इनके खिलाफ PNDT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। कल रविवार के दिन 27 सितंबर को एक DC रेवाड़ी साहब की तरफ से एक टीम बनाई गई है डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस विभाग की तरफ से और उसमें एक मूवेबल जो कि पोर्टेबल मशीन के साथ जो कि गर्भ निर्धारण का टेस्ट करते हैं उसको उन आरोपियों को पकड़ने के लिए एक संयुक्त रेड की गई जिसमें गरुड़ क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया में एक गाड़ी को आरोपियों समेत काबू किया गया जिसमें एक आरोपी बलवान सिंह निवासी गाजियाबाद और एक रामफल जो कि एक मीडिएटर है जो जिस जो ग्राहक को समझवाता है तो उनको काबू किया गया जो कि पैसे लेके और गर्भ निर्धारण का कार्य करता है। तो उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और अभी इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो सर रेड मारने के लिए क्या कुछ किया गया सर इन्हें पकड़ने के लिए? इसमें जाल बिछाया गया इसमें एक डिकॉय हमारी तरफ से और आई डिपार्टमेंट की तरफ से हमने एक अलॉट किया और उसके अकॉर्डिंग हमने इस जाल बिछा के और इन आरोपियों को काबू किया है। तो सर कहाँ कहाँ इनके तार जुड़े हुए हैं सर? अभी इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है और उसमें जांच में ही ये सब पता चल पाएगा कहाँ कहाँ इसमें मशीन प्राप्त करते हैं और कहाँ कहाँ इन्होंने गर्भ निर्धारण के टेस्ट किए। क्या क्या रिकवरी की गई? अब इनसे एक पोर्टेबल मशीन और 36,000 रुपीज़ इनसे रिकवर किए गए।